अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और सोर्सेज ऑफ नॉलेज में हमने पहले चार सोर्सेज पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, जिसमें हिसी तजर्बा, सेंस एक्सपीरियंस, अक्ल रीज़न, अथॉरिटी इस्तनाद, वजदान यानी इंट्यूशन शामिल हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये तमाम सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमें इल्म फराहम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वही या इल्हाम के बारे में। सबसे पहले ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये इसका ताल्लुक आम इंसान के साथ नहीं है, आम बंदों के साथ नहीं है। मज़हबी नुक्ते नज़र से वही या इल्हाम अल्लाह ताला के मखसूस लोगों पर होता है, जिसे हम पैगंबर कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले। और वही या इल्हाम, जिसको हम इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं, इस माखज़ इल्म के ज़रिए अल्लाह का ख़ास पैगाम या अल्लाह की जानिब से रहनुमाई बंदों उसके बंदों को फराहम की जाती है। और उस रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला पैगंबर को चुनता है, और वह खुद चुनता है। इसलिए कहा जाता है पैगंबर मंसूस मिन अल्लाह होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला उनका चुनाव करता है। और ये ऐसा ज़रिए इल्म है जो सिर्फ़ अल्लाह के खसूसी मखसूस लोगों पर, जिनको हम रसूल कहते हैं, जिनको हम पैगंबर कहते हैं, सिर्फ़ उन्हीं पर नाज़िल होता है। वही यह इल्हाम ये एक मुस्तनद और क्लियर सोर्स ऑफ नॉलेज है। और इस सोर्स ऑफ नॉलेज में ज़ाहरी बात है कि सेंस परसेप्शन से काम नहीं लिया जाता, इसमें रीज़न या इस्तदलाल से भी काम नहीं लिया जाता। यानी इसमें जो रिसीवर होता है, जो पैगंबर होता है, वो अज़ ख़ुद अपनी जानिब से कुछ भी इस इल्म में एडिशन नहीं करता, या अपनी जानिब से वो कुछ नहीं कहता, बल्कि वो जो अल्लाह का पैगाम उस तक नाजिल किया जाता है, पहुंचाया जाता है, या अल्लाह की जानिब से जो अहकामात, जो रहनुमाई, जो नस्बुलैन ज़िंदगी के बारे में उनको दिया जाता है, अल्लाह का पैगंबर वही पैगाम एज़ इट इज़ हूबहू आम इंसानों तक मुंतकिल कर देते हैं। तो लिहाजा ये इस तजर्बे की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये ख़ास अल्लाह ताला की ख़ास बंदों पर नाजिल होता है। और जो अल्लाह ताला की ख़ास बंदे पैगंबर, यानी पैगंबर जो इस पैगाम को रिसीव करते हैं, जो वही और इल्हाम के रिसीवर होते हैं, उनको जिन जो मौसूल करते हैं, वो इसमें अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते, यानी उनकी अपनी ज़ाती तजर्बा से उस पैगाम में कुछ भी शामिल नहीं होता, बल्कि जो कुछ शामिल होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है। और ये वही इल्हाम जो है हमें मुख्तलिफ़ इल्हामी कुतुब की सूरत में हमारे तक पहुँचता है, जैसे कुरान मजीद ये एक इल्हामी किताब है और उसमें अल्लाह का पैगाम हमारे तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सहीफ़े जो पुराने पैगम्बरों पर नाजिल हुए हैं, तो इन तमाम जो जैसे कुरान है या बाकी आसमानी किताबें हैं या सहीफ़े हैं, उनके ज़रिए अल्लाह का पैगाम आम इंसानों तक पहुंचाया गया है, जिससे आम इंसानों की रहनुमाई करना मकसूद है। आई होप कि तमाम तर सोर्सेज ऑफ नॉलेज की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर किसी पॉइंट पे आपको कुछ भी बात में कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कन्फर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।